और ये ऊपर पहाड़ों के ऊपर ऊपर ये मंदिर, बहुत छोटे छोटे घर है। हमारा गांव है, हमारा घर है बहुत नीचे, बहुत छोटे छोटे घर दिख रहे होंगे आपको। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं अभी अपने बुआ के यहाँ गई थी, मेरे भैया की शादी थी, और अब मैं अभी बुआ के यहाँ से अपने घर जा रही हूँ, अपने गाँव। और अभी हम रास्ते पे खड़े हुए हैं, ये मेरा भाई है, और जिस रोड पे हम खड़े हैं अभी फिलहाल, ये रोड जाती है यूपी के लिए, एमपी से यूपी, NH 30 है शायद इस रोड का नाम। तो अभी हम रास्ते में हैं, जा रहे हैं। और गाइस, अभी जहाँ हम खड़े हैं, ये यहाँ से इलाहाबाद प्रयागराज 50 किलोमीटर होगा यहाँ से डिस्टेंस। तो और अभी हम जा रहे हैं, अभी घर जाएंगे, घर से फिर चलते हैं आगे। और एक बहुत प्यारा मंदिर मिलता है, आगे पड़ेगा वो मंदिर, दिखाते हैं आपको। ये फ्लाई ओवर के नीचे, यहाँ से ट्रन लेंगे हमारे, हमने सीधा रोड गई है, बनारस के लिए जाती है सीधा, और ये जो इधर अब जा रहे हैं ये के लिए जाती है, ये इलाहाबाद नहीं हमारा गाँव, मतलब इलाहाबाद के लिए रोड जाती है, हमारा गाँव तो एमपी में है इलाहाबाद से पहले, और लेकिन ये रोड सीधे इलाहाबाद जाती है। गाइस, ये अभी रुके हुए हैं पानी पीने के लिए, प्यास लगी थी। और ये देखिए यहाँ पे आप, कितना प्यारा व्यू हो, कितना अच्छा लग रहा है, हमको लग रहा है हम जाए ही नहीं यहाँ से, एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी हम पानी पी के फिर चलेंगे, बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ी दूर और बचा हुआ है, और चलते दिखाते हैं आपको मंदिर यहाँ का। हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा मंदिर है, पहाड़ों के ऊपर बना है, काफ़ी ऊँचाई पर बना हुआ है, दिखाते हैं आपको, शिव जी का मंदिर है। शंकर जी के मंदिर है, दिखाते हैं हम आपको। गाय से मंदिर आ चुके हैं, पंडित जी हैं, नारियल जाएंगे मंदिर, गाय से मंदिर जाने का रास्ता है ये ऊपर सीढ़ियों। गाय समझा मंदिर, ये सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, ऊपर जाने का रास्ता है, ये काफी ऊपर है पहाड़ में बिल्कुल। और भाग जाएंगे तुम्हारा अगर वहाँ से। गाइस समझिए, ये बंदर है, हम जा रहे हैं मंदिर, पहुँच चुके हैं, यहाँ से काफी ऊपर आ चुका, काफी प्यारा अच्छा व्यू दिखता है नीचे का, जो तुम आपको दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ही अच्छा है। और गाय से आ चुके हैं मंदिर, चल रहे हैं अंदर, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ के, दिखाते हैं आपको शंकर जी के मंदिर यहाँ पे। गाय से नारियल तोड़ रहा है ना, जय शिव जी शंकर जी।
कैसे तोड़ोगे? इतना तेज से मार दिया कि पूरी अलग ही हो गई। माता पार्वती गाइस, ये गणपति बप्पा हैं। ये देखिए आप, काफी ऊंचाई पे हैं। ये नीचे देखिए, ये बजरंग बली का मंदिर है। चल रहे हैं, ये है बजरंग बली है ये, और यहाँ से नीचे काफी गाइस, ये पूरा पहाड़ है जो कि काफी ऊंचाई पे, बहुत ऊंचा है, बहुत ही नेशनल हाईवे रोड जाती है। पहाड़ों के दोनों साइड पहाड़ है, पहाड़ों के बीचे बीच ही जाती है, नेशनल हाईवे बोलते हैं इसको। और ये पहाड़ों को ये काट के बनाई गई है रोड, बहुत ज़्यादा पहाड़ था। और वो देखिए जो बहुत छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, गांव, यहाँ नीचे हमारा घर है गांव। ये एमपी है, एमपी में पड़ता है, ये सुहागे के पहाड़ बोलते हैं इसको। काफ़ी बड़ा है, बहुत ही अच्छा है, ये बीचों बीच रोड जाती है, ये पहाड़ों को काट के बनाई गई है। काफी अंदर बहुत दूर तक है। सबसे ऊपर ये पहाड़ों के ऊपर ये मंदिर बनाया गया है। ये देखिए आप, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। ये मूड़ापर का मंदिर बोलते हैं, सुहागे के पहाड़ में है। काफी प्यारा है, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू लगता है देखने पे। गाइस टाइम नहीं निकाल, थोड़ा रुकते और बैठते, थोड़ा सा भी आपको और कुछ दिखाते, लेकिन हम रास्ते पे हैं, घर जा रहे हैं, तो अब बस यही है। ऐसे देखिए, हमारी गाड़ी वो खड़ी है, टू व्हीलर हम लोग लिए थे, ब्लू कलर की, ये खड़ी है हमारी गाड़ी नीचे। बहुत दूर है, हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको, नीचे है बिल्कुल। गाइस हम नीचे जा रहे हैं, हम बना रहे हैं, यहाँ साधु लोग जो रहते हैं यहाँ बैठते हैं, ही रहते हैं ये हमेशा, ठंडी गर्मी कुछ भी हो। गाइस चलते हैं अब हम नीचे और दिखाते हैं फिर। अब हम जा रहे हैं घर के लिए, यहाँ से नीचे जाएंगे। बच्चों कहाँ जा रहे हो? मम्मी के पास। मम्मी के पास जा रहे हो, ठीक है। कह रहे हैं बच्चे नहीं, हम शेर हैं, शेर, यहाँ के बच्चे भी शेर हैं, बताइए। चल रहे हैं नीचे। गाइस यहाँ का बहुत प्यारा व्यू, बहुत ही अच्छा लगता है आने पे। आज आते हैं तो ऐसा लगता है बस यहीं रुक जाए, जा ही नहीं। आ चुके हम नीचे, वो हमारी गाड़ी खड़ी है, हम जाएंगे नीचे। रोड नेशनल हाईवे, और ये ऊपर पहाड़ों के ऊपर ऊपर ये मंदिर। ये देखिए जो छोटे छोटे नीचे घर दिख रहे हैं ना, ये हमारे घर है नीचे, ये बाकी ऊपर पहाड़। आगे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ से पहाड़ खत्म होने वाला है। और आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, बस अपना कैसा। हमें अभी एक दादी मिली थी और वो बेचारी बैठी थी रोड पे, मुझे बहुत बुरा लगा उसको देख के। तो अभी मैं प्रसाद ली थी मंदिर से आ रहे थे, तो गाइस अभी उनको हम प्रसाद दिए, और 10-20 रुपए पैसे थे हमारे पास थे, हमको दिए। हमें उनके हेल्प में बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा हमको खुशी मिल गई। ऐसे काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ का एंड आ गए हैं, यहाँ से पहाड़ खत्म होने वाला है, वर्ष आ रहे हैं, अभी हम भी तंगी नीचे आ चुके हैं। ये यहाँ से पहाड़ होता है खत्म।
ऐसे हमारे घर के लिए रास्ता यहाँ से बाहर खत्म होता है, ये सीधे रोड है, बाईपास होते हुए इलाहाबाद निकल जाएगी सीधा रोड, और ये जो इधर हम जा रहे हैं हमारे घर के लिए। एक अच्छी रोड है, कब से काम कोई बनवाते ही नहीं है, रास्ता सही नहीं है, बस ऐसे जाना पड़ता है। इधर बारिश और इसमें बहुत दिक्कत होती है। ये हमारे घर के लिए टर्न हुई है हम, और ये है हमारा घर, ये हमारे खेत हुए थे और ये हमारा घर है। ये हमारी मम्मी क्या कर रही है मम्मी। गाइस हम पहुंच चुके हैं घर, और ये है मेरी मम्मी। ये गेहूं बना रही, क्या कर रही है मम्मी? गेहूं बना रही है, वो आटा पिसवाने की। और बहुत थक चुके हैं अब, बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर आपको पूरा गांव दिखाएंगे, खेत वेत दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।